वेलकम टू टेम क्लासेस। लास्ट लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था और साथ में उसका फार्मूले के बारे में बताया था। अब हमें ये जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या फ़र्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इसमें डिफरेंस लिखते हैं, तो पहला डिफरेंस ये होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसके लिखते हैं रेट इक्वल टू हो जाता है के, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर जीरो हो जाता है। कंसंट्रेशन के साथ में इसमें होता है इसे पावर जीरो, इसकी वैल्यू वन हो जाती है। जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हो जाएगा आर इक्वल टू के, और इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर वन हो जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है आर इक्वल टू के, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये पहला डिफरेंस था। अब ये जो पहला इक्वेशन बना इससे क्या करेंगे, दो डिफरेंस और निकाल सकते हैं। अगला डिफरेंस क्या होगा कि जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये क्या होता है, ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें लिखेंगे इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो पहला डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। दूसरा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर के, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा फिर वापस इसी से निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफ खींचना चाहें, इधर की तरफ लिख देते हैं रेट और इधर की तरफ लिख देते हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी एक ग्राफ खींचेंगे इधर की तरफ रेट और इधर की तरफ कंसंट्रेशन, तो अगर इनके बीच ग्राफ खींचना चाहें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है और नहीं कर रहा है, तो कंसंट्रेशन को इधर से जाने बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा ऐसा ग्राफ आएगा। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंसंट्रेशन को जीरो कर देंगे तो रेट भी जीरो हो जाएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग हो यहाँ से हो, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेशन जीरो है, रेट जीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। साथ में क्या है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ है बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ होगा इस तरीके से। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ और ये होता है जीरो ऑर्डर ग्राफ। अब हमें फोर्थ डिफरेंस देखना है, तो फोर्थ डिफरेंस ये लिखेंगे कि जो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, तो इसका लिख देते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये होता है रेट। तो यहाँ पे क्या, आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू के बराबर है और के बराबर है, तो ये वैल्यू पूरी क्या है, रेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, अब यहाँ पे जो रेट है, रेट को हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के और रिएक्टेंट हो गया ए, यहाँ पर या फिर रिएक्टेंट को हम मान लेते हैं आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फोर डिफरेंस, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसके लिए होगा, इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये होना है, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ, अगर हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टोटल ये कंसंट्रेशन होता है, और इसका डिफरेंस को हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं, तो के इक्वल टू ये लिख सकते हैं या फिर के इक्वल टू एक्स बाय टी लिख सकते हैं। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इसके लिए हो जाता है इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट
इंटीग्रेटेड इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, तो ये डिफरेंस है। अब हमें सिक्स डिफरेंस देखना है, तो सिक्स डिफरेंस क्या करेंगे, इसमें टी हाफ और के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्स वाला के इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई टू टी वन बाई टू। टी वन बाई टू को क्या चीज़ है, ये हाफ लाइफ पीरियड है। तो किसी हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, जितने समय में कोई भी कंसंट्रेशन अपना इनिशियल का आधा हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट में ये रिलेशनशिप होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, तो ये रिलेशनशिप आता है। तो ये है छठा डिफरेंस। अब सातवां डिफरेंस फिर वापस इसी से निकाल सकते हैं। तो सातवां डिफरेंस क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सातवां पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखेंगे जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट के है वो नॉट डिपेंड हो जाएगा, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा होगा जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा जबकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। इन ये दोनों जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है, तो ध्यान से इसको समझना है। दूसरा पॉइंट और सातवां पॉइंट दोबारा बताते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है जबकि रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है लेकिन रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये टोटल सेवन डिफरेंस है और आपको ऊपर डिफरेंस बताते हैं, इसको मिटा कर लिखते हैं आठवां डिफरेंस। तो आठवां डिफरेंस में क्या करेंगे, जो यहाँ पे इक्वेशन आया था तो इसके बीच क्या करना है, हमको टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच हमें ग्राफ खींचना है। तो इसको पहले हम यहाँ लिखते हैं, ये इक्वेशन था के इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई टू टी हाफ, ये था। अब टी को इधर ले जाते हैं, के को इधर ले जाते हैं, तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर नॉट और डिवाइड बाई टू के। तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी क्या कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, जबकि इसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। तो एक तो इसका ये भी डिफरेंस ले सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड उतना ज़्यादा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन में डिपेंड कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा आठवां डिफरेंस। नाइन डिफरेंस इसी से हम ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम टी हाफ और यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन, इन दोनों बीच ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये ग्राफ आएगा। जबकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाफ लाइफ पीरियड और यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन, तो इसका ग्राफ डिपेंड नहीं किया, तो इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है, दसवां डिफरेंस, इस इक्वेशन को लेंगे, ये वाला इक्वेशन है के इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी। तो इस इक्वेशन से अगर हम टी इक्वल देखें, टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई के। तो कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर रिएक्शन को कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा एक्स बाई के का। तो यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक्स बाई के का टाइम लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको लिख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन एक्स बाई के टाइम, इतने टाइम में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो
अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर नहीं रहा है, और कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ये कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम लगता है एक्स डिवाइड बाई के, इतना टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो ये टोटल 10 डिफरेंस थे आपको जानने थे। इस 10 डिफरेंस से क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।